हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार कलुंडिया। फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके नेचर चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि मैं आज एक नए जगह पर जा रहा हूँ और टूटी फूटी हिंदी और नए अंदाज के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, मजा आएगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको अपने घर के आसपास की कुछ सिनेमेटिक व्यू दिखाता हूँ। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, हमेशा से मेरा एक ही गलती रहता है कि मैं जब घर से स्टार्टिंग निकलता हूँ तो वहाँ का मैं ब्लॉग बनाना भूल जाता हूँ। यार, मुझे पता रहता है फिर भी, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, वहाँ के आसपास में लोग रहते हैं, तो यार ब्लॉग बनाने का नहीं बनता वहाँ पे। तो इसीलिए मैं जब भी निकलता हूँ घर से तो वहाँ का स्टार्टिंग ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, फिर जब निकल जाते हैं रोड पर तब ब्लॉग बनाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं, आसपास का व्यू। वैसे मेरा खास प्लान ही नहीं था कि बाहर में जाके यहाँ का ब्लॉग होना है और आसपास का नज़ारा आपको दिखाए। तो सबसे पहले जाते हैं यहाँ से, हम लोग दूर ले चलते हैं यहाँ से। सूरज की रोशनी बहुत तेज से पड़ रहा है, इसीलिए मज़ा नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आँख में लग रहा है। तो चलते हैं यहाँ से, हम लोग आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। पहुंच चुके हैं मेन रोड के एकदम बीचों बीच। आप देख सकते हैं येलो मेन रोड के बीच में हम लोग, इधर येलो जो गांव है ये अंधारी है और हम लोग जाने वाले हैं अभी कुलावा। आपको दिखाते हैं सरसों का कैद, उधर साइड है तो दिख रहा है शायद, हाँ सरसों का कैद है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अभी उधर कुलावा जाना रोड में, तो उधर जा कर आते हैं और आने के बाद आपको सरसों के कैद का व्यू दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उधर जाते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इधर साइड है अंधारी और उधर है कुलावा, तो हम लोग अभी कुलावा वाला रोड में जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलो जाते हैं। आ रहे थे रोड पे अभी, तो यहाँ पर कुछ बच्चे दिखे थे आप लोगों को, आप लोग देख पाए होंगे ये बच्चे लोगों को, ये लोग ताश खेल रहे थे। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, मतलब बचपन से जो ताश खेलते हैं ना वो बड़ा की जुआरी बनता है। तो सबसे पहले ये लोग यहाँ बैठ के ताश खेल रहे थे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और सबसे गलत बात, माचिस का तिल्ली रहता है, तो अभी लोग निकाल के ले आते हैं और माचिस का तिल्ली फेंक देते हैं। घर की माचिस ऐसी गायब हो जाती है, घर में पता नहीं चलता कि माचिस घर का कहाँ गायब हो गया और घर में झगड़ा होता रहता है। तो मेन रीज़न यही लोग का रहता है, ये बच्चे लोग का, कि माचिस लेके भाग जाता है घर से और घर में डिबरिया नहीं जलती है। तो दोस्तों, अभी हम लोग सबसे सुनसान जगह पर आए, यहाँ पर कोई देखने वाला कोई पब्लिक नहीं है और यहाँ के चारों ओर जंगली जंगल है, जंगल के बीच में आके हम लोग मंगल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं, काफ़ी औसम व्यू है यहाँ का। आप चारों ओर नज़ारा देख लीजिए, पहले हम लोग एकदम जंगल के बीचों बीच में आए हैं। यहाँ ना देखने वाला होगा या सुनने वाला होगा, यहाँ बस चिड़िया की चीची करने का आवाज़ और जानवर सा तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उतना बड़ा जंगल नहीं है, क्योंकि गांव अंदर एरिया वाला जंगल है।
अभी मैं कुलावा गांव पहुंच चुका हूं और मैं पुलिया के ऊपर खड़ा हूं। मेरे साथ दो भाई मौजूद है और अभी हम लोग यहां पे थोड़ी मस्ती करेंगे, वो बिहाइंड द सीन रहेगा। फिर यहां से चलते बनेंगे, फिर तभी वाला सरसों का खेत आपको दिखाएंगे। लवाज से आ चुके हैं वापस। अब है सरसों के खेत के साइड में, मतलब मेन रोड पे। यहाँ पर सड़क दिख रहा है आपको, तो उधर दूर दूर में दिख रहा है सरसों के खेत, आपको सामने जाके दिखाते हैं। तो दोस्तों सरसों के पीले पीले फूल के सामने जा रहे हैं अभी। मेरा दो भाई है, वो दोनों पहले चल चुके हैं आगे। वो दोनों क्या बोलते हैं, नदी नहीं, वहाँ तालाब कोड़ा हुआ है, तो तालाब का जायजा ले रहा है। तो अभी आप लोग सबसे पहले दिखाते हैं यहाँ सरसों का खेत। अभी मैं सरसों के खेत के एकदम बगल पे खड़ा हूँ। अब एक बार कैमरा को घुमा देते हैं तो सरसों का खेत आपको दिखेगा एकदम पीला पीला। तो डूड, ये रहा सरसों का खेत। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का, सबसे पहले अच्छा से कैमरा करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वाला वीडियो आपको 50% तो पसंद आया होगा। तो देख क्या रहा है, लाइक मार दे। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।